बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके सामने देखें एक खूबसूरत सी, मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी एक प्लेट नज़र आ रही है। उसमें टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, चटनी भी पड़ी हुई है। तो ये क्या है जी? ये हमने फ्राई किए हैं ज़बरदस्त से विंग्स। वो 1 किलो विंग्स थे हमारे पास जो हमने फ्राई किए। चलें चलते हैं वट टू कुक किचन में और इसको फ्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने चिकन को धो लिया है, विंग्स हैं ये 1 किलो हैं, तो इसको हमने धो लिया, बाउल में ले आए हैं। इसमें डालने लगे हैं 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया शामिल करते हैं जी, और 1/2 टीस्पून इसमें हम चिकन पाउडर शामिल करते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल शामिल कर रहे हैं, और 1/2 टीस्पून इसमें हम येलो कलर जिसे ज़रदा कलर कहते हैं वो ऐड कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून हम इसमें घर का मसाला जो बना हुआ है तिक्का मसाला वो हम ऐड कर रहे हैं जी। ये देखें ये ऐड हो गया। तो इसके बाद 1/2 टीस्पून हम लहसुन का पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून ही जिंजर का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। तो इसको शादी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये अब शादी इसको मिक्स करने वाली है। लो भी शादी इसको मिक्स करो। शादी तो पहले स्पून के साथ यानी चम्मच के साथ पहले मिक्स करने वाली है। ये कर रही है मिक्स, लेकिन मिक्स इस तरह होता नहीं है, हाथों से करना पड़ेगा। शादी आप इसको हाथों से करो तो शादी आप इसको करेगी हाथों के साथ। ये हाथों से मिक्स होता है, हाथों से मिक्स करें। ये हो गया जी मिक्स, शादी कर रही है मिक्स। तो ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेगी। हाँ जी ये देखें शादी अच्छी तरह मिक्स कर रही है इसको। ले जी अब इसमें ऐड कर देगी 2 चम्मच सफ़ेद सिरका और फिर इसको मिक्स करके अच्छी तरह फिर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए साइड पर रख देगी। मैरिनेशन का टाइम ओवर हो गया जी। अब हम ले आए हैं इसको बाहर और अब हम करने लगे हैं इसको फ्राई। तो फ्राई करने से पहले सबसे पहले हमने मैदा ले लेना है, मैदे में थोड़े क्रम्स डाल लेने हैं। क्रम्स की रेसिपी हमने शेयर कर दी हुई है। तो एक एक पीस पकड़ के उसको मैदे में पहले उसको अच्छी तरह मलना है, फिर उसको ले जाना पानी में, पानी में डिप उसको एक गोता दिला के फिर वापस लेना है, फिर दोबारा से उसको कोट करना है। तो कोट करने के बाद आपने उसको फ्राई करना है। इस तरह सारे पीसेस को पहले कोट कर लें, एक ही दफ़ा उसको मैदे से कोट करें, उसके बाद आप उसको पानी में ले जाए, पानी से निकले दोबारा कोट करें और साइड पर रख दीजिए। इस तरह शादी सारे पीसेस को इस तरह कर लेगी और फिर फ्राई शुरू कर देगी। शुरू करते हैं जी फ्राई का प्रोसीजर। तो एक एक करके पीस डालते हैं ऑयल में। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। तो ये देखें 5 पीस हमारे कढ़ाई में आ गए, 5 पीस हमने ऐड कर दिए और एक साइड चुके उसकी पक चुकी है। तो शादी ने उसको फ्लिप कर दिया है। अब सारे पीस को फ्लिप करेंगे, 3-4 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। तो सारे पीसेज आपने इस तरह फ्राई करके निकाल लेने हैं। ये देखें फ्राई हो रहे हैं, ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं, अच्छा क्रंच नज़र आ रहा है। ये हमारे फाइनल हो गए, हमने 5 पीस बाहर निकाल दिया, प्लेट में आ चुके। ये देखें बड़े ज़बरदस्त कुक हुए हैं, स्पाइसी लग रहे हैं, क्रिस्पी लग रहे हैं। आप ही बना सकते हैं घर पर, बड़ा मज़ेदार बनते हैं, बनाते रहते हैं हम अक्सर। तो ये देखें हम सारे पीस हमारे हो चुके, हम उनको ले आए हैं उसको अपने टेबल पे। तो अगर आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ। कोल्ड ड्रिंक हमारे पास थी, हमने मौसम तो सर्दी का लेकिन फिर भी तो शूट के लिए मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। तो ये सारे हमारे पीसेस रेडी हो चुके हैं, गार्निश हम कर चुके हैं प्याजों के साथ, चटनी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये देखें सारे पीसेस ज़बरदस्त लग रहे हैं, डिश की लुक देखें आप। और ये कोल्ड ड्रिंक है, ये देखें ज़बरदस्त बनी है। ये पुदीने की हमने चटनी बना ली थी, अच्छी तरह उसको गार्निश कर लिया। तो ये देखें एक टेस्ट करके भी देखते हैं। तो ये जी हम टेस्ट कर रहे हैं इसको, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। तो टेस्ट ये तो ज़बरदस्त है जी, कमाल है, वाह वाह वाह। तो लें जी अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी वास्तवी सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।